इंसाफ, जी यही यही से आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपके जी ख्याल में आप माशाल्लाह यू हैव अर्नड सो मच एजुकेशन रिस्पेक्ट। आप पाकिस्तान में थी, वहां पे आपने एजुकेशन ली, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, पता नहीं क्या कुछ किया, और सबको बताते चले कि इंसाफ इज सच अ पावरफुल वॉइस ऑफ आवर प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपसे यहीं पे ये फायदा, आपकी मौजूदगी में फायदा उठाते हुए क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपने कभी ये देखा है कि पाकिस्तान में जो खवातीन है उनको ओप्रेस किया जाता है, उनको जो है ना वो उनको नीचा दिखाया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। पाकिस्तानी क्या इस तरह की सोसाइटी है जो ये सीमा हैदर पोर्ट्रे कर रही है, और जो इंडियन हमारे जो कॉलीग्स हैं प्रोफेशनल मीडिया में वो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि पाकिस्तान में खवातीन को सुप्रेस किया जाता है? देखिए, मैं तो कराची में पैदा हुई, ठीक है। मैंने वहां पर हर तरह का पॉलिटिक्स देखी, और इंडिया में भी वही कल्चर है पॉलिटिक्स का, वही करप्शन हर मुल्क में है, हमारा कल्चर है। लेकिन वहां पर राणा लियाकत अली खान जैसी खवातीन हुई जिन्होंने अपवा कॉलेज और सब कुछ बनाया, हमें हमारी माँ ने, चाहे हम बहुत अमीर नहीं थे, हमने पाकिस्तान में रहते हुए मास्टर्स PhD सब कुछ किया, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वही इंडिया में भी होता है। हम लोग माइग्रेट करके आए थे इंडिया से, और हमें पता था कि औरत को जो है उस वक्त भी इतना नहीं सुना जाता था, लेकिन पाकिस्तान में आके हमने आजादी के साथ पढ़ा लिखा। हमारे हमारे यहाँ ज्यादातर, आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान में छह छह सात सात बहनें होती हैं और भाई कम थे, बहुत से लोगों का यही था। तो हमें बेटों की तरह पाला गया है, हमें कहा गया आपको जो बनना है बने, आपको पढ़ाई के अलावा हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, जिससे आप चाहे प्यार करती हो कुछ करती हो हमें बता दीजिए, आपकी उससे शादी हो जाएगी। लेकिन जब शादी हो जाए, जिम्मेदारी आपकी है, बच्चों आपको एजुकेट होना है पहले, फिर आपने पढ़ना है, फिर आपने शादी करनी, ये हमारे घर का रूल था, सोचें। और हमारे यहाँ यानी कोई, हम लोग यानी अमीर तरीन लोग नहीं थे, कुछ नहीं थे, जैसे होता है मिडिल क्लास लोग, आराम से हमें बोलने की इजाजत थी। अगर कहीं हम जुल्म होता देखते थे, इवन बस में बैठे हुए, पब्लिक बस में, और औरतों की जो है वो नहीं हो, हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया था, बेटा अपनी एजुकेशन का अप्लाई करिए हर जगह सोसाइटी में, जहाँ ट्रैश देखे वहां देखिए। आपको पता है डॉक्टर साहब, मेरी आदत कि आप लोग आवाज से सुन लेते होंगे कि मैं कहीं जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो थोड़ा बिटर हो जाते हैं हम एज औरत, क्योंकि हमारे माँ बाप ने बताया कि अगर कोई आदमी आपसे बहुत मोहब्बत और प्यार से बात करे, वो आपका सगा नहीं है, तो उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, वो आपको ट्रैप कर रहा है, आप किसी के झांसे में नहीं आएंगे मर्द के, क्योंकि मर्दों ये की ड्यूटी है, ये खवातीन के जी लिए एक सेफ गार्डिंग है। जी जी ये हमारे माँ बाप की तरबियत थी कि आपको कोई मोहब्बत से बात कर रहा है, प्यार से, और आपको अपने मुल्क से या आपकी घर वालों से नफरत दिला रहा है कि ये तो कोई भी नहीं है, तो बेटा वो आपके सगे नहीं है, वो आपके दुश्मन है, वो आपको ट्रैप कर रहे हैं, आपको एज अ लड़की फायदा उठाना चाहते हैं। तो हमने अपने बच्चों को भी ये तालीम दी कि बेटा जो बहुत से मोहब्बत से बात करे वो ड्रामा है, ड्रामा बटा ड्रामा है वो, तो ये हम आपको बता रहे हैं। और जो कोई लड़की के साथ बदतमीजी करे उसको उठा के रपेट मारो, ठीक है, ये हमारा तरीका है कि वो अपनी सेफ्टी खुद करो, दूसरे आपकी सेफ्टी नहीं करेंगे, कोई आपका सगा नहीं है, और अपने जी मुल्क की कदर करो, अपनी आजादी की कदर करो, और जहां पर गलती हो, गलत हो रहा वहां बोलो, ठीक है। जी और ये हमने इस्लाम से सीखा है, ये हमने कर्बला से सीखा है, ये हमने बीबी जैनब से सीखा है, जो यजीद के दरबार में खड़े होके, जिन्होंने इतना बड़ा, वो उस वक्त का किंग था कि वो उसी वक्त गर्दन उड़ा देता, इतना बड़ा फासिस्ट था वो कि उसी वक्त गर्दन उड़ा देता, लेकिन बीबी जैनब ने अपने अपने जो भी जुल्म हुआ था इमाम हुसैन के लिए बोली, वो नजफ से कर्बला, वो कर्बला से शाम पैदल गई यजीद के दरबार में खड़े होके, बेपर्दा जी थी, इसमें उनकी इसमें चादरें मैं उतारी गई, ये जी सबक हमें इसमें दिया हमारे माँ बाप जी ने। जबरदस्त, थैंक यू सो मच थैंक यू इंसाफ, वेरी और ये मच। बहुत बहुत क्लियर मैसेज है। मिस्टर मर्चेंट, आपकी तरफ मैं आता हूँ, सिर्फ मैं फयाज भाई से पूछना चाहूंगा यही, क्योंकि ये बार बार हमारा जो हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं इंडियन मीडिया में और बाकी जगहों पे भी, कि वो बार बार खवातीन के, कि जी पाकिस्तान में खवातीन के हकूक नहीं है, वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये बताता चलूँ कि सोशल नॉर्म्स हर जगह पे डिफरेंट होती हैं, कबायली रवायात डिफरेंट होती हैं। इंडिया में भी ऐसा है कि हमें तो चलो एज अ रिलीजन जो है ना, हमें कहा जाता है कि मॉडेस्टी जो खवातीन की है, इज्जत जो है। मैं एक और यहाँ पे बताता चलो फयाज भाई, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, कि जो इस्लाम में सबसे ज्यादा जिस चीज की तरफ तवज्जो की गई है
वो सेक्सुअलिटी है, बहुत सख्त रूल्स हैं, और यही रूल्स हम अपने जो है ना सोसाइटी में वो चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो फीमेल्स हैं वो वल्नरेबल हैं, दे कैन यू नो दे कैन बी ट्रैप्ड एट एनी टाइम, राइट? फियाज भाई, आप एज एन एडवोकेट, अटोर्नी, प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट के वकील आप हैं लाहौर जैसे शहर में जो कि दुनिया में मशहूर है, और आपकी बार जो है सबसे ज्यादा मशहूर है, आप बताइए कि क्या खवातीन को आप सुप्रेस फील करते हैं? क्या खवातीन आपके आपके साथ खवातीन एडवोकेट्स नहीं है? बताइए जरा इस हवाले से, फिर मिस्टर मिस्टर मर्चेंट के पास आते हैं। जी प्लीज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप देखें कि आज के दौर में ये बात करना तो ऐसा ही है कि जैसे कोई शख्स मजाक कर रहा है या कोई कोई शरारत कर रहा है, अगर कोई ये कहता है। तो देखें, यहाँ पे आज के दौर में जो खवातीन है, जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में से, जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली खातून है जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। पाकिस्तान में खवातीन प्राइम मिनिस्टर बनी। अभी लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम है जो कि बड़ी दबंग किस्म की जज है। इसके अलावा आप देखें तो हमारी जो लाहौर हाई कोर्ट की वाइस प्रेसिडेंट है रबिया बाजवा, उनकी बहुत सारी तकरीरें भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे आजकल देखी होंगी। रबिया बाजवा वो मर्दों के साथ रहकर वकालत के शोबे में कर रही हैं और बाकायदा तौर पर पोलिटिकल एक्टिविटीज जारी रखे हुए वाइस प्रेसिडेंट हैं, और 7,000 वुकला के वोट उसने लिए उस पद ने। तो बात यह है कि यहाँ पे खवातीन आजाद हैं, हर शोबे में मर्दों को कम्पीट कर रही हैं, हर शोबे में बराबरी की सतह पर उनको तहफुजात हैं, और बहुत सारे कवानीन हैं, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। इवन के मर्डर केसेस में आप देखें, बच्चों वाली खवातीन को बेल बेल तक की वो फैसिलिटी है, और बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई शख्स तशद्दुद करता है तो उसके लिए स्पेसिफिक सेल बने हुए हैं, फौरन आप कॉल करें, आपका स्पीडी बेसिस पे कार्रवाई होती है और ट्रायल शुरू होते हैं और सारी जजा सजा का मामला होता है। तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई बंदी नहीं। और जो इंसाफ ने बात की, बहुत जबरदस्त बात की, मेरे ख्याल में जो हमारा रिलीजन है इस्लाम, वो खवातीन को तहफ़ प्रोवाइड करता है, और हमारे जो प्रॉफिट हैं उन्होंने जी जी हज़रत सॉरी, करेक्शन कर दूं, इस्लाम से पहले, इस्लाम से पहले इस्लाम ने इसको बंद सॉरी किया। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इस्लाम की आमद से पहले खवातीन को, औरतों को, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन ये हमारे प्रॉफिट जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, उन्होंने ये तरीका कार चेंज किया और खवातीन को हकूक प्रोवाइड किए, बहन का हकूक प्रोवाइड किया। और देखें, एक मर्द हर वक्त दीन इस्लाम के मुताबिक एक औरत का महफूज होता है, कभी वो भाई की सूरत में है, कभी वो बेटे की सूरत में है। ऐसा सिस्टम सेट कर दिया है।